तो इस कहानी के शुरू में हम एक रॉक बैंड से मिलते हैं। ये लोकल बैंड था जो छोटे छोटे पार्ट्स में काम करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस काम से उनके हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे। दिखाया जाता है कि जब वो एक कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे तो उनकी गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो गया, जिसे वो किसी और की गाड़ी से चुरा कर अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तो उन्हें एक बुरी बात ये मालूम होती है कि उनका कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। ये जानकर वो लोग बहुत ही उदास हो गए। तब यहाँ के मैनेजर ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें एक और बार के बारे में बताता हूँ, वहाँ तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, और उधर का मैनेजर भी मेरा भाई डेनियल है। ये सुनकर दोनों को ही उम्मीद जागती है। जाते हुए वो लड़का इन्हें वार्निंग देता है, हाँ पर वहाँ ख्याल से रहना, वहाँ सारे नाजिस रहते हैं, यानी जर्मन सोल्जर जो आज भी हिटलर के असूलों पे चलते हैं। खैर अब ये लोग इस बार में पहुंच जाते हैं और वहाँ डेनियल से मिलते हैं। डेनियल इन्हें किसी और आदमी के साथ ग्रीन रूम तक लेकर जाता है, जहाँ से आगे जाकर इन्हें कॉन्सर्ट परफॉर्म करना था। अब क्योंकि ये यंगस्टर्स थे, जिस चीज से इन्हें मना किया गया था वो तो इन्होंने जरूर ही करना था, पर जानबूझकर अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ नाजिस के खिलाफ गाना गाता है, जिसकी वजह से यहाँ की सारी ऑडियंस उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है। लेकिन खैर उनकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। कॉन्सर्ट के खत्म होने पर इन्हें पैसे भी मिल गए और ये बस यहाँ से जाने ही वाले थे कि सैम को पता चला कि उसका मोबाइल तो ग्रीन रूम में ही रह गया है। बट उस मोबाइल को लेने के लिए जाता है, जहाँ ग्रीन रूम में जाते ही उसके होश उड़ते जमीन पे पड़ी हुई एक लाश देखकर। ये जिस लड़की की लाश थी उसके दोस्त भी यही खड़ी हुई थी, जो रोते हुए पेट से कहती है, प्लीज पुलिस को कॉल करो, मेरी मदद करो। पेट भी उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए फोन उठाकर वो जल्दी से रूम से बाहर निकलता है। लेकिन तभी पीछे से उसे गैंगस्टर्स पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस को कॉल कर चुका था। हर सिचुएशन को संभालने के लिए अब गैंगस्टर्स इन सब को पकड़ कर ग्रीन रूम में बंद कर देते हैं। वो जानते थे कि पुलिस ने तो यहाँ आना ही है इस मर्डर को छुपाने के लिए। उन्होंने बाहर जानबूझकर दो लड़कों के दरमियान में लड़ाई करवाई, ताकि पुलिस को लगे किसी लड़ाई के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया था। गैंगस्टर्स का प्लान सही काम भी करता है और वो लोग पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अब सबसे बुरा यह हुआ था कि किसी के किए हुए गुनाह में ये चारों फंस चुके थे। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि इस बार का ऑनर, जो कि इन सब का बॉस था, वो भी यहाँ आ चुका था और उसे यहाँ पर होने वाले मर्डर के बारे में पहले से ही पता था। असल में इस लड़की का मर्डर और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब उसी के ऑर्डर पे हुआ था। अब बॉस यहाँ आकर किसी से भी बिना कुछ कहे सबसे पहले इन रॉक बैंड की कार को चेक करता है, जहाँ उसे पेट्रोल चोरी करने का सामान मिला। ये देखने के बाद बॉस अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि जिन दोनों ने उस लड़की का मर्डर किया था उन्हें इस मर्डर साइट से कहीं भेज दो। ये बात बताने के लिए जैसे ही बॉस का असिस्टेंट इस ग्रीन रूम तक आया तो उन दोनों आदमियों के साथ ये चारों भी चलाके से यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गन पॉइंट पे इन गैंगस्टर्स ने इन चारों को यहीं पर रोक दिया। एम्बर, जो कि मरने वाली लड़की की दोस्त थी, वो इन सबको बताती है, तुम्हें यहाँ इसलिए रोका जा रहा है ताकि ये सब तुम्हें मार दे, क्योंकि तुम्हें इनका राज पता चल गया है, ऐसे तुम्हें जाने नहीं देंगे। इस चीज का यकीन तो इन चारों को भी हो चला था। ये लोग यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन जिस गार्ड के हाथ में गन थी वो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। खैर इतनी देर में इनके रूम के बाहर आ जाता है बॉस, जो कि यहाँ गार्ड को दरवाजा खोलने को कहता है। ये लोग समझ गए कि बस इनका मरने का वक्त करीब है। ये जानते थे कि अगर दरवाजा खुला तो ये मर जाएंगे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ये चारों मिलकर गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। पेट उसे काबू में करता है, जबकि उसका दूसरा साथी उसके हाथ से गन छीनने में कामयाब हो चुका था। बाहर से बॉस बार बार नॉक कर रहा था, लेकिन ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तंग आकर वो यहाँ से चला गया। वो भी अब जानता था कि इन्हें यहाँ से निकालने के लिए उसे कोई और ही हरबा चलाना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले उसने अपने बार में मौजूद सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया। इतनी देर में हमने देखा कि यहाँ पर डैनियल भी आ गया, वही लड़का जो इन्हें सबसे पहले इस बार में मिला था, जबकि रूम के अंदर से ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकलने का कोई खुफिया रास्ता ढूंढ रहे थे। और ऐसा करते हुए ही उनके एक साथी को फ्लोर के नीचे एक बंकर मिलता है। इससे पहले कि ये लोग इस बंकर को खोलकर इसके अंदर चले जाते, दरवाजे के बाहर दोबारा से बॉस आ गए, जिसने इनको बातों में लगाना शुरू किया। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो गन है वो शराफत से मुझे दे दो, क्योंकि इस गन से उस लड़की का मर्डर हुआ है, और अगर तुमने मुझे नहा दी एक तो तुम बगैर लाइसेंस गन के चक्कर में फंस जाओगे, और दूसरा मैं तुम्हें इस लड़की के मर्डर के इल्जाम में फंसा दूंगा। ये सुनकर ये लोग भी डर गए, और पेट अब दरवाजा खोल के वो गन बॉस को बाहर देने के लिए जाता है। एम्बर, जो ऊपर रूम की वेंटिलेशन पर खड़ी बाहर की सारी सिचुएशन देख रही थी, वो देखते हैं कि बॉस के साथ लोग इन लोगों को मारने के लिए खड़े हैं, जो इनके दरवाजा खोलने के इंतजार में हैं। इससे पहले कि वो कुछ बताती, ये लोग गन के साथ पेट का हाथ भी पकड़ चुके थे, वो उसे खींच रहे थे, लेकिन यहाँ उसके बाकी साथी उसे बचाने लगते हैं और किसी तरह उसके हाथ को अंदर करके ये दरवाजा बंद करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इस सब के अंदर पेट का हाथ बुरी तरह कट चुका था और वो तड़प रहा था। इनके दरवाजा बंद करते ही वो गार्ड जिसको इन्होंने काबू किया हुआ था वो भी इन्हीं के ऊपर हमला करने वाला था, जिसके हमले से बचने के लिए एम्बर उसी के ऊपर हमला करते हैं। वो उसकी गर्दन पे चाकू रख चुकी थी
और गलती से ये चाकू चल गया और एम्बर के हाथ से उस गार्ड का मर्डर हो गया। ये लोग पैनिक तो हुए लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार हो गए थे, क्योंकि ये जानते थे यहाँ किसी ना किसी को तो मरना ही है। ये कहने के बाद बॉस भी कमरे के बाहर से जा चुके थे। ये लोग दोबारा अपने मिशन पे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने में लग गए। इन्हें जो फ्लोर के नीचे बंकर मिला था ये लोग उसमें जाने का फैसला करते हैं। इन्हें उम्मीद थी वहां से भी बाहर जाने का कोई रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन जैसे ही ये लोग नीचे गए तो इन लोगों के होश ही उड़ गए ये देखकर कि ये जगह एक पूरी लैब थी जिसके अंदर ड्रग्स बनाई जा रही थी। और असल में वो गैंगस्टर, वो बॉस अपने इसी बिजनेस को छुपाने के लिए तो चाह रहा था कि पुलिस यहाँ ना आए। ये बात वो समझ जाते हैं। बाहर बॉस से अब डेनियल मिलता है। बॉस डेनियल को ये काम देते हैं कि जाओ जाकर उस रॉक बैंड को उस कमरे से बाहर निकालो। डेनियल सवाल करता है कि आखिर वो उस रूम में है क्यों। जवाब में बॉस उससे झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने हमारी साथी का मर्डर कर दिया है। सुनकर डेनियल को भी गुस्सा आ गया। उससे में वो इन सबको मारने का फैसला कर लेता है, लेकिन यहाँ बॉस उसे मना कर देते हैं। कहते हैं मारना नहीं है उन्हें, बस बाहर निकालना है। अंदर उस ग्रुप को दिखाया जाता है जो यहाँ से बाहर निकलने की हर कोशिश कर चुका था लेकिन किसी भी तरह से कामयाब नहीं हुआ। तो अब इनके पास एक ही रास्ता था कि ये लोग दरवाजा खोल कर ही बाहर निकलेंगे। जैसे ही ये लोग बाहर निकले तो बॉस के असिस्टेंट ने उनके ऊपर डॉग्स छोड़ दिए और ये डॉग सबसे पहले उनके एक साथी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है, जिसके बाद यही डॉग एम्बर के ऊपर भी हमला करता है। लेकिन एम्बर इस डॉग से अपना पीछा छुड़वा लेते हैं और बाकी सभी साथियों के साथ वापस ग्रीन रूम में आ जाती है। रूम के अंदर आने पे इन्होंने देखा कि इनका एक साथी बाहर ही था। उसने चनाखे दिखाई थी और यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन बाहर जाने पर भी वो बॉस के लोगों के हाथों मारा गया, जिसकी मौत का पता उसके ग्रुप को भी चल जाता है। और उसकी मौत के बाद इन सब की हिम्मत टूट जाती है। अब बाकी साथी जो दोबारा रूम के अंदर चले गए थे और उन्होंने रूम लॉक कर लिया था, बॉस डेनियल से कहते हैं जाओ जाकर उन्हें रूम से निकालो। डेनियल बड़ी आसानी से रूम का दरवाजा तोड़ते हुए रूम के अंदर चला जाता है, इससे पहले कि वो उन सबको मार देता या कोई भी नुकसान पहुंचाता। उन्हीं की साथी जिसका नाम एम्बर है उसे रोक देती है और बताती है नहीं मारो इन्हें, ये बेकसूर है, तुम्हारी साथी को और किसी भी नहीं बॉस ने ही मरवाया है। ये सुनकर वो बुरी तरह शॉक हो गया। वो अपने साथी मर्डर की कहानी डिटेल से सुनना चाहता था, इसलिए उसने दूसरे लड़के को यहाँ से बाहर भेज दिया। एम्बर बताती है क्योंकि तुम और एमिली यहाँ से भागने का प्लान कर रहे थे, इसी की खबर बस बॉस को हो गई। बॉस को एमिली के भागने के प्लान के बारे में पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो तुम्हारे साथ भाग रही है। और जैसा तुम जानते हो कि उनके ग्रुप का एक रूल है कि कोई उनके ग्रुप को छोड़कर नहीं जा सकता, तो बस फिर उन्होंने एमिली को मरवा दिया। असल में बॉस को डर भी था कि अगर कोई ग्रुप का मेंबर उनके ग्रुप को छोड़कर जाएगा तो वो आगे के लिए उनके लिए मुसीबत साबित हो सकता है। अभी तक किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि एमिली डेनियल के साथ भागने वाली थी। यहाँ डेनियल जब अपने दूसरे साथी को बाहर भेजता है तो उसे देखकर बॉस समझ गया कि अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। वो अंदर जाकर इंटरफेयर नहीं करता बल्कि बाहर से ही डेनियल की कार चेक करता है, जिसे चेक करने पर उसे कार की डिग्री में डेनियल का सामान और साथ ही साथ उसके साथी का सामान और उनकी एक पिक्चर मिली, जिसे देखकर वो समझ गया कि उस लड़की को भगाने वाला और कोई नहीं बल्कि डेनियल ही था। और अब वो डेनियल की भी जान के पीछे पड़ गया, जबकि दूसरी तरफ ग्रीन रूम के अंदर डेनियल ने फैसला कर लिया था कि वो सब लोगों को यहाँ से जिंदा सलामत बाहर निकालेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा तो अपने ही लोगों के हाथों मारा गया, क्योंकि उसे ये बात नहीं मालूम थी कि बॉस सब सच जानते हैं और अब वो उसकी भी जान के पीछे हैं। बाहर तो ये निकल ही गए थे, ये लोग हिम्मत करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन अफसोस कि गैंगस्टर्स के लोग इनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसके चलते सैम भी मारी जाती है। अपचित है पेट और एम्बर जो दोनों डरते हुए दोबारा ग्रीन रूम के अंदर आ गए। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, नहीं जानते थे कि उन्हें अब क्या करना है। बॉस भी अब दरवाजा खुलवाने की या उन्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते बल्कि वहां पर अपना डॉग छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ सिचुएशन के लिए थोड़ी सी कंट्रोल में आई थी। पेट जो कि बहुत ही टैलेंटेड था, वो अजीब और गरीब आवाजें निकाल कर डॉग को डराकर यहाँ से दूर भेज देता है। और फिर वो जो दो आदमी बॉस ने यहाँ इनको गार्ड करने के लिए छोड़े थे, पेट उन्हें भी उन्हीं की गन से मार देता है। दोनों गार्ड्स को मरा हुआ देखकर पीछे से बॉस का असिस्टेंट निकल कर आया, जो उन गार्ड्स को मरा देखकर और पेट के हाथ में गन देखकर पूरी तरह डर गया। वो जानता था कि पेट अब उसे मार देगा, लेकिन पेट ने उसे मारा नहीं, क्योंकि अब इसी से तो उन्होंने बॉस का पूरा प्लान सुनना था। असल में बॉस का ड्रग बनाने और स्मगल करने का बिजनेस था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि पुलिस यहाँ पर आकर सबको पकड़े। और क्योंकि इस रॉक बैंड को भी बॉस की सारी हकीकत पता चल चुकी थी, तो अब वो उनको भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसे इस ग्रुप को मारना भी कुछ इस तरह था कि किसी को उस पर शक भी ना हो। बॉस का सिस्टम बताता है, इसलिए तो
उन्होंने तुम्हारी कार और तुम्हारी पेट्रोल चुराने वाली किट को अपने घर के बाहर छोड़ दिया और सबको उसने डॉग्स के हाथों मरवाने की इसलिए कोशिश की ताकि पुलिस को लगे कि ये लोग पेट्रोल चुराने आए थे, जिसके चलते डॉग्स ने उन पर हमला किया और वो मारे गए। बॉस ने सोचा था कि उसके बाद वो सभी लोगों की लाशों को भी अपने घर के बाहर रख देगा। उसका यह प्लान काफी हद तक काम भी कर चुका था, लेकिन इससे पहले कि उसका डॉग पेट और एम्बर को मारता, उन्होंने सारा प्लान पता चलवा लिया और फिर बॉस के ही असिस्टेंट को लेकर उसके घर के बाहर चले गए। वो यहाँ आकर उसको मार भी सकते थे क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था, लेकिन वो उसे अभी भी नहीं मारते। एम्बर उसे इस शर्त पे छोड़ देती है कि तुम जाओगे और जाकर पुलिस को ये सारी कहानी बताओगे। इतने में ही बॉस के कुछ लोग भी उन दोनों को यहाँ सेंस कर लेते हैं। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ एम्बर ने अपनी गन चलाते हुए उन दोनों को मार दिया। गोलियों की आवाज सुनकर बॉस भी घर से बाहर निकले। इन्हें देखते ही वो अपनी पिस्टल निकाल कर इनको शूट करने वाले थे, लेकिन एम्बर उससे पहले ही उसी को शूट करके मार देती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब पेट और एम्बर ही जिंदा बचे थे जो यहाँ पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इन्हें अपने साथियों के मरने का दुख था, दोनों खामोश थे और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।